बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आजकल अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। ये बात भी सच है कि जब से जैकलिन का नाम कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा है, तब से वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बनती हुई भी नजर नहीं आई और तब से जैकलिन फर्नांडिस काफी मुश्किलों में भी फंसी हुई है। 200 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनका नाम जुड़ा है। इस केस के चलते जैकलिन फर्नांडिस को कई बार कोर्ट में पेशी के लिए भी जाना पड़ता है, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस ने अभी हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर से परेशान होकर एक कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने कॉनमैन सुकेश पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे। अब इसी को लेकर सुकेश चंद्रशेखर का जवाब भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि जैकलिन ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सुकेश उन्हें व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस नोट्स भेजकर परेशान करता है। अब इसी पर सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि उसने अपने प्यार को लीगल तरीके से जैकलिन फर्नांडिस तक पहुंचाया है। इसके आगे सुकेश ने दायर आवेदन में बताया है कि जैकलिन फर्नांडिस की याचिका में 200 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े कई फैक्ट छुपाए गए हैं। साथ ही साथ सुकेश ने लेटर लिखने के सवाल पर भी जवाब दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है कि अगर मेरे लेटर उसको परेशान कर रहे थे तो वो पिछले साल ही हाईकोर्ट क्यों नहीं चली गई, जब मैंने उसे सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे थे। सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर को लेकर एक बड़ी बात भी कही है। उसने कहा है कि अगर लेटर में वो साबित कर दे कि मैंने लेटर के जरिए उसे कोई धमकी दी हो या डराया हो, मैं किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब आपको याद ही होगा, जब ये मामला पहली बार सामने आया था तब जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर के साथ में कई इंटीमेट पिक्चर्स भी वायरल हो गए थे। सब जैकलिन फर्नांडिस पर गोल्ड डिगर होने का भी आरोप लगाने लगे थे। इनफैक्ट नौरा फतेही का भी नाम सुकेश के मामले में एक बार सामने आ चुका है। खैर, अब देखते हैं कि सुकेश के इन स्टेटमेंट्स पर क्या जैकलिन फर्नांडिस फिर से अपना पक्ष सामने रखती हैं या नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए देखते रहिए ENT Live।